अगला है, टॉम वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द विंडो शेकिंग हिज हेड। टॉम जो है विंडो के बाहर खड़ा हुआ था और अपना सिर हिला रहा था। फूड ऑन द टेबल इजंट फूड फॉर अस ही सेड। जो हर फूड टेबल पर रखा हुआ हमेशा हमारे लिए नहीं होता है, टॉम ने ऐसा बोला। ही सेड, उसने कहा, वी ईट फ्रॉम द गटर एंड एलीज, हम जो है गटर से खाते हैं, ठीक है। विल वेट अंटिल डॉन एंड फाइंड आर फूड इन द गार्बेज हीप्स। हम जो है जो सुबह होती है ना, सुबह 6 से 7 बजे वाला टाइम रहता है, उसमें वो ट्राई करेंगे कि जो सुबह 6 से 7 वाला जो टाइम रहता है उसको डॉन बोलते हैं। तो हम डॉन होने तक वेट करेंगे और फिर हम हमारे खाने के लिए कुछ सर्च करेंगे। लुइस वॉज हॉरीफाइड। लुइस भयंकर तरीके से डर गई। वेट ऑल नाइट, क्या पूरी रात मुझे वेट करना पड़ेगा। टॉम कामली नोडेड ही सेड। टॉम ने शांति से अपना सिर हिलाया। यू विल लर्न ही सेड सैगली, तुम जल्द ही सीख जाओगे। द लेफ्ट द रूफ टॉप टू रोम डार्क एलीवेज। तो जो है रूफ टॉप को जो है उन्होंने छोड़ दिया और वो गलियों में घूमने लगे। नाइट ड्रैग्ड ऑन फार सो टू स्लोली फॉर लुइस। जो है रात उसके लिए बहुत धीरे धीरे कट रही थी, किसके लिए, लुइस के लिए, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। द इवनिंग मिस्ट मेड हिम शिवर। इवनिंग में उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी। अ रेन बिगेन फॉलिंग एंड ब्रिस्क विंड्स ब्लू। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश भी होने लग गई थी। उसने कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी। वो हमेशा क्या है, पिलो के अंदर ही रहती थी, घर से कभी बाहर नहीं निकली थी। उसने कभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ को लेकर नहीं करा था, फूड को लेकर उसने नहीं करा था। तो दैट ऑल द थिंग्स उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रही थी। लुइस बिगेन टू थिंक हाउ डेयरी द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज आफ्टर होल। तो लुइस ने सोचा कि कितना खतरनाक है आखिरकार जो ये दुनिया है, कितनी खतरनाक है। देर वॉज नो सन, नो वार्म रूफ, नो प्लेइंग एंड प्रेंसिंग। यहाँ पर कोई सन नहीं है, यहाँ पर कोई छत नहीं है, यहाँ पर कोई जो है एनर्जी नहीं है। ही पॉज, हिज पॉज स्लिप्ड ऑन द कोबल स्टोन स्ट्रीट एंड ही बिगेन टू ड्रीम ऑफ चेरीज हाउस एंड हिज नाइस पिलो। ठीक है, उसका जो है पाँव जो है किसी पत्थर से टकरा गया और वो जो है रात को किसके बारे में सोचने लग गया, वो चेरी के पिलो के बारे में, और पूरा जो उसने घर में रहकर एंजॉय करता था वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक साथ आने लग गई। सडनली टॉम ने बोला, क्विक ओवर हियर, चलो मेरे साथ। ही वॉज ग्लाइडिंग क्लोज टू साइड ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन दे रीच्ड द शेल्टर ऑफ अ डोर। टॉम विस्पर्ड, चलो मेरे साथ। ही वॉज ग्लाइडिंग क्लोज टू द साइड ऑफ द बिल्डिंग, वो किसी बिल्डिंग के पास गया। व्हेन दे रीच द शेल्टर ऑफ अ डोर, फिर वो किसी डोर पर पहुंचे। टॉम विस्पर, टॉम ने कहा, दैट मैन विद द हुक एंड बास्केट आउट देयर, वो आदमी जो इसके हाथ में टोकरी है और एक हुक है, देखो उसे, सी हिम, देखा उसे, ही इज द एनिमल कैचर। वो एनिमल कैचर मतलब जानवरों को पकड़ने वाला है। ही इफ ही फाइंड्स अस वी आर डेड, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम मरे समझो। नाउ लुइस वॉज शिवरिंग विथ फियर एज वेल एज कोल्ड। अब जो है पहले जो लुइस है वो सिर्फ ठंड से कांप रहा था, लेकिन इस बार वो डर से भी कांप रहा है। ठंड और डर दोनों के साथ वो कांप रहा था। रेन एंड विंड एंड मैन विथ हुक्स, ठीक है, बारिश, हवा और ये आदमी, ये तीनों चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। गार्बेज एंड स्लिपरी स्ट्रीट्स, कचरा और ये जो है स्लिपरी स्ट्रीट मतलब ये फिसलने वाली गलियाँ। वॉट मोर कुड हैपन आउट देयर, और यहाँ पर इससे भी ज़्यादा क्या हो सकता, और इससे भी ज़्यादा क्या खतरनाक हो सकता है। लुइस हर्ड रसलिंग, ही टर्न्ड एंड सो थ्री मैन कैरिंग गार्बेज आउट टू द स्ट्रीट्स। लुइस ने जो है कि कोई किसी तरह की आवाज़ सुनी और उसने सोचा कि थ्री मैन कैरिंग गार्बेज आउट द स्ट्रीट, तो तीन आदमी जो है गार्बेज लेकर आए हैं। ही रेस्ट टू इंस्पेक्ट इट, और जल्दी से वो वहाँ पर गई और कुछ उस वहाँ पर ढूंढने लगी। ही लॉन्ग फॉर अ नाइस पीस ऑफ मीट, उसने जो है वहाँ पर किसी मीट के टुकड़े की तलाश में करी बट उसे कुछ भी नहीं मिला। अ लिटिल सैल्मन एंड सम केवियर ही रिफिल्ड थ्रू द बैग्स बट ही फाउंड जस्ट थ्री बोन्स, उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिला सिवाय तीन हड्डियों के। टॉम लुइस कुड सी वॉज एन आर्टिस्ट, टॉम लुइस कुड सी वॉज एन आर्टिस्ट। टॉम जो है इस मामले में मतलब काफ़ी ज़्यादा समझदार था। ही रिफिल्ड थ्रू द गार्बेज स्लोली एंड डेलीजेंटली एंड ही फाउंड अ फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ थिन स्टील, उसने जो है धीरे धीरे वहाँ पर खोजा और उसको क्या मिला, वहाँ पर मीट मिल गया। एज द कोल्ड रेन फॉल इनटू लुइस, ऑल ही कुड थिंक अबाउट वॉज हिज वार्म ड्राई प्रिजन वेयर अ बाउल सैल्मन केवियर श्योरली अवेटेड हिम। ठीक है, तो उसे जो है जैसे जैसे बारिश बढ़ने लगी थी तो उसे जो है उसकी पुरानी यादें उसको मतलब
पुरानी यादें उसके दिमाग में चलने लगी थी, कैसे वो कैसे वहाँ पिलो के ऊपर रहता था, कैसे वो आग के सामने बैठा हुआ रहता था और कैसे उसे बिना बुलाए मतलब बिना इतना स्ट्रगल करे ही फूड उसके सामने आ जाता था। ये सारी चीज़ें उसके सामने एकदम से आ गई। When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You have had enough of life out there, haven't you? ठीक है, तो जब सूरज उगने लगा था टॉम ने उसकी तरफ देखा और कहा यू हैव हैड इनफ ऑफ लाइफ आउट देयर हैवंट यू, तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ पर अच्छी चल रही थी नहीं चल रही थी क्या? आई हैव लुइस, यस हाँ मेरी ज़िंदगी वहाँ पर अच्छी चल रही थी। डू यू वॉन्ट टू गो होम, क्या तुम घर जाना चाहते हो? टॉम ने पूछा। आई डू, लुइस सेड, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, बट नाउ हाउ डू आई फाइंड माय हाउस, लेकिन मैं अपने घर का पता कैसे करूं? टॉम वेरली शुक हिज हेड, व्हेन आई सॉ यू लीव योर हाउस यस्टरडे, आई न्यू अ फैट कैट लाइक यू वाजंट मेंट फॉर द जॉयस ऑफ फ्रीडम, फॉलो मी। ठीक है, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तभी मैं समझ गया था कि तुम जो है हमारी तरह नहीं हो, अब मेरा पीछा करो मैं तुम्हें लेके चलूँगा। लुइस फॉलो टॉम अलोंग कोबल स्टोन स्ट्रीट, लुइस जो उसे उसके घर पर लेके गया। सून दे वर एट चेरीज विंडो, वो जल्दी चेरी की विंडो पर पहुँच गए। टॉम टर्न टू हिम एंड सेड हियर यू आर गुड बाय, लो चलो तुम्हारा घर आ गया गुड बाय। लुइस कुड नॉट बेयर टू लीव हिज फ्रेंड आउट हियर इन हिज वाइल्स, कम विथ मी लुइस सेड, आई विल शेयर माई बेड एंड फूड, चेरी इज जेनरस। ठीक है, तो लुइस जो है अपने दोस्त को वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता था, उसने टॉम से कहा कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ मैं अपना बेड और खाना तुम्हारे साथ शेयर कर लूँगा, जो चेरी है वो काफ़ी अच्छी है। टॉम वेव्ड अप, आई वुड डाई there with all fluffy pillows and rich foods, that's for weaklings, I need to be free, he turned and jumped on the roof and disappeared। ठीक है, टॉम ने उसके साथ आने के लिए मना कर दिया कि मैं इस तरह के पिलो और इस मतलब जो इतने कंफर्ट में मैं रह नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। लुइस लिव्ड इनसाइड, व्हेन चेरी सो हिम शी स्क्रीम्ड बैड बॉय बट शी गैदर्ड हिम इन हर आर्म्स, जैसे टॉम जो है लुइस जो है उसके अंदर एंटर हुआ, चेरी ने उसे मतलब गले लगा लिया और उसे कहा बैड बॉय, लेकिन उसने उसे गले लगा लिया। एंड फेड हिम केवियर, उसे केवियर खिलाया। लेटर स्ट्रेट आउट बिफोर द फायर, लुइस रेस्टेड हिज हेड ऑन हिज फीदर पिलोज एंड क्लोज हिज आई। ठीक है, और फिर उसे जो है पिलो के पास ले गई और गर्म आग के सामने उसे रख दिया और उसने अपनी आँखें बंद कर ली। नाउ ही अंडरस्टूड दैट पैराडाइज वॉज अ प्लेस वेयर द ही माइट बी लॉकड अप, और फिर उसे जो है एहसास हुआ कि यहाँ पर जो है वो ही माइट बी लॉकड अप फॉर एवर बट ही वुड ऑलवेज हैव अ फ्रेश मीट, उसे एहसास हुआ कि मैं यहाँ पर ज़िंदगी भर लॉक तो रह सकता।